घोस्टलैंड द गेमिंग वर्ल्ड एपिसोड 11। वीर जब तक उस पिंजरे तक पहुंच पाता तब तक शेर आर्यों पर झपट पड़ा था। आर्या ने उस छोटे बंदर को बोरे से निकलने के लिए अपनी कटार से बोरा काट दिया। वो निकलकर पिंजरे की जालियों में से भाग गया। पिंजरे की जालियों में इतनी जगह नहीं थी कि आर्या निकल सके। जब वो शेर आर्या पर झपटा तो आर्या कूद कर पिंजरे के दूसरी तरफ चली गई और बादशाह झपट कर आर्यों वाली तरफ आ गया। वीर भागता हुआ पिंजरे के पास पहुंचा। जब बादशाह ने आर्या को पंजा मारना चाहा तो आर्या ने अपनी कटार से वार किया। खंजर शेर के आंख में लगा। एक हल्की सी खरोंच थी। आर्या ने अपना हाथ हवा में उठाया तब उस शेर का ध्यान जारिया के हाथ पर गया। आर्या सिर्फ उसका ध्यान बेटा रही थी लेकिन उसकी चाल का खास असर नहीं हुआ। रुद उस पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन दरवाजा एक तरफ से अटक चुका था। माकस भी भागा भागा वहां आया और बोला, ये आर्यों को अंदर जाने की क्या जरूरत थी? वीर गुस्से में बोले, तुम्हें उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? माकस बोला, मैं नहीं लाया, वो खुद तुम्हें ढूंढती यहाँ आ रही थी। मैंने तो रोकना चाहा पर उसे शक हुआ और वो यहाँ चली आई। दोस्त, माकस ने वीर से झूठ बोला लेकिन वीर उस बात मान गया। हालांकि माकस ने आर्यों को वीर के बारे में एक झूठ बताया था। जब वीर उस छोटे बंदर पर शेर के हमले का इंतजार कर रहा था तब माकस आर्या को बता रहा था कि वीर शायद किसी जानवर की बलि देने वाला है। वीर को एक जानवर की बलि चढ़ानी है ताकि उसकी भी ताकत शेर जैसी शक्तिशाली हो जाए। मुझे लगता है वो वाकई मॉन्स्टर है। जब उसे खाने को कर्मफल न मिले तो ऐसे तरीकों से अपनी शक्ति बांटता है। जब आर्या को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो यो माकस के साथ पिंजरे के पास आई। वहां से पिंजरे में एक मासूम जानवर और उसे शिकार होता देखने के लिए छुपा हुआ वीर दिखाई दिया। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उस पिंजरे के अंदर चली गई थी और अब यहाँ उस पिंजरे में शेर ने आर्या को अपने पंजे से घायल कर दिया था। उसकी कटार के डर से शेर ने उस पर अपने दांत नहीं गड़ाए थे लेकिन अब ज्यादा देर नहीं थी। वो शेर अपने शिकार से खेल चुका था। अब किसी भी वक्त आर्या के जिस्म में दांत गड़ा कर वो शेर अपना नाश्ता खाने वाला था। वीर से इस तरफ का पिंजरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी माकस ने दूसरी तरफ से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और चिल्लाया, आर्या यहाँ से बाहर आओ। आर्या उस दरवाजे से बाहर कूदी और माकस ने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन पता नहीं कैसे वीर जिस तरफ से दरवाजा नहीं खोल पा रहा था अब उस तरफ का दरवाजा खुल चुका था। दरवाजे का वो लीवर जो जाम था वीर के छोड़ देने पर झट से खुल गया। मौका पाते ही वो शेर वो बादशाह पिंजरे से बाहर आ धमका। वीर को अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ भी हो सकता है लेकिन अब वो शेर वीर के सामने था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। शेर चढ़ रहा था, अपनी नुकीले दांत दिखा दिखा कर वीर को हरा रहा था। वीर और बादशाह एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चल रहे थे। वीर को उसी वक्त वो दिन याद आ गया जब ऐसी ही किसी सकस में वीर के पापा उसे लाए थे और रिंग मास्टर ने जब शेर को दहाड़ने के लिए कहा था तब भी वीर रो पड़ा था। आज वीर को साबित करना है कि वो जांबाज योद्धा है। वो इस गेम को जीतने की ताकत रखता है और उसे अब कोई भी लूजर नहीं कह पाएगा। ये एक तरफा मुकाबला था। शेर की ताकत स्फूर्ति सब ज्यादा थी। वीर को नहीं पता था कि अरत्र के बिना वो शेर से कैसे लड़ सकता है लेकिन वो बस एक बात जानता था कि इस अरत्रवज में कोशिश जितनी ताकत उतनी। वीर और शेर आमने सामने थे। शेर ने धड़ मारी और वीर पर हमला किया। वीर दूसरी तरफ कूद के अपनी जान बचाता है लेकिन उस शेर की स्फूर्ति के आगे ये सब कुछ नहीं चलता है। हालांकि बादशाह अब एक सकस का शेर है लेकिन कहते हैं न शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। उसे भी कई दिनों बाद कोई शिकार इस तरह करने का मौका मिला था। चरना सकस के शेरों को खाना यूं ही बिना उतनी मेहनत के मिल जाता है। वीर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोशिश करना शुरू किया। वो एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा रहा था। शेर भी उसे देखकर सोच में पड़ गया कि वो करना क्या चाहता है। वीर कभी एक जगह कूदता कभी दूसरी जगह। माकस मन ही मन सोच सोच के हंस रहा था कि ये वीर बंदर को बचाने वाला था, खुद बंदर कैसे बन गया। आसपास खड़े लोग देखकर हंस रहे थे लेकिन दूर कोई सा खड़ा था जो मुस्करा रहा था। वो दूरबीन से ये तमाशा देख रहा था। उस सकस के टेंट के अंदर बैठा था इस कबीले का सरदार। वो डरावना जोकर वो वीर पर नजर गड़ाए बैठा था। वीर जैसे जैसे कूद रहा था उसकी ताकत और स्फूर्ति दोनों बढ़ रही थी। शेर को अब उसकी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। जब वीर ने कूद फांद करके दो चार बार गलतियां मारी तो पिंजरे में मौजूद बंदर उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। वीर उनको सलामी देने रुक गया था। इतने में पीछे से शेर उस पुआ कूद पड़ा लेकिन एक पैर खिसकर वीर साइड हो गया। शेर को और गुस्सा आया, उसने जोर से दहाड़ा और वीर को अपने सारे दांत दिखा दिए। वीर हारने की बजाय उस शेर के मजे ले रहा था। उस शेर ने वीर पर पंजे से जोरदार वार किया। वीर के कंधे पर लगे इस वार की वजह से उसका बैंगनी खून निकलने लग गया था। घाव हुआ था लेकिन गहरा नहीं। वीर फिर कूदने लगा। अब शेर का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। उसने वीर के सीने पर छलांग लगाई लेकिन वीर ने उसके दोनों पंजे पकड़ लिए।
वीर में शेर को रोके रखने जितनी ताकत आ गई थी, पर ज्यादा देर वो उसे रोक के नहीं रख सकता था। शेर ने अपने दांतों से हमला करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन जब शेर फिर से दहाड़ा तो वीर अंदर तक हिल गया। कहां एक तरफ वो बचपन में शेर को रिंग में देखकर भी डर गया था, और कहां वो आज शेर की आंखों में आंखें डाल रहा है। शेर ने गुस्से में पंजा छुड़ाकर वीर को धक्का मारा और वीर को गिरा दिया। वीर उठ पाता उससे पहले उस शेर का डरावने दांती वाला मुंह वीर के मुंह के ठीक ऊपर था। वीर ने अपने दोनों हाथों से शेर का मुंह खोल रखा था। वीर को लड़ाई लड़ते वक्त मजा आ रहा था। उसे याद आ रहे थे वो सारे दिन जब वो बचपन में किसी छोटे से जानवर से भी नहीं लड़ पाता था। डर के कारण उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे और वो हार मान जाता था। वीर को पापा की वह बात याद आती है जब उसे बार बार लूजर कहा जाता था। आज खुश था, उसे लग रहा था कि काश उसके पापा ये सब कुछ देख पाते। उस शेर के दांतों को अपने हाथों से पकड़ने के कारण वीर की उंगलियों से खून बहने लगा था। वीर को दर्द हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उस शेर को खुद से दूर कर दिया। शेर ने फिर से वीर को घूरना शुरू किया। ये उसके सम्मान की बात थी, वो जंगल का राजा था जबकि ये एक मरियल इंसान। इसकी क्या मजाल कि मेरे आगे टिक पाए, वो शेर ऐसा सोचकर वीर की तरफ भागा। वीर ने भी शेर के आगे भागना शुरू कर दिया। वीर के सामने भालू का पिंजरा था। वीर पिंजरे के ऊपर चढ़ गया। शेर ने कूद कर पिंजरे के ऊपर पहुंचने की कोशिश की लेकिन उसकी छलांग इतनी दूर तक नहीं जा पाए और नीचे गिर गया। इधर वीर भी उसे चिढ़ाने के लिए उस पिंजरे से नीचे कूद गया। जब शेर ने फिर दौड़ लगाई तो वीर भागता हुआ उस हाथी के पिंजरे के ऊपर चढ़ गया था। शेर ने भी वापस अपनी पिंजरे की तरफ जाकर बैठने की चाल चली। वीर नीचे उतर कर जाने की तैयारी में था कि शेर अपने पिंजरे से निकल आया और कूदा। इस बार का हमला वीर संभाल नहीं पाया और शेर के पंजे के वार से जमीन पर गिर गया। वीर की पीठ पर उस शेर के पंजे के नाखूनों के निशान थे। आर्या वीर को इस हाल में देखकर बेचैन हो रही थी। वो वीर को बचाने के लिए बढ़ रही थी कि मार्कस ने उसका हाथ पकड़ के कहा, उसे अपनी मदद खुद करने दो, ये उसकी अपनी लड़ाई है। आर्या रुक गई। वो शेर फिर एक बार दहाड़ा और वीर को अपना शिकार बनाने वाला था कि एक तेज चाकू तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। चाकू उसे लगता उससे पहले ही वीर ने अपनी पूरी ताकत से उस शेर को धकेल दिया और वो चाकू वीर के बाजू में घुस गया। जब उस शेर ने ये देखा तो वो दग रह गया कि जो चाकू उसकी तरफ बढ़ रहा था वो इस बेवकूफ इंसान ने खुद पर क्यों ले लिया। वीर ने अपने बाजू से चाकू को बाहर निकाला। वो शेर शर्मिंदा होकर दूर खड़ा हो गया था, दहाड़ रहा था। वीर उठना चाह रहा था कि तभी आर्या ने उसे हाथ देकर उठा लिया। वीर ने अपने हाथ को देखा तो उंगलियों से बैंगनी खून बह रहा था। पीठ पर शेर के पंजों के निशान थे और बाजू में चाकू। आर्या बोली, दूसरों की कुर्बानी देने वाले ये नहीं सोचते कि उनकी गर्दन भी इस जाल में फंस सकती है। वीर ने आर्या से कहा, कुर्बानी किसकी? उस बंदर की। देखो आर्या, वो आइडिया मेरा नहीं बल्कि वीर की बात काटते हुए मार्कस बोला, यार तुम तो शेर से बिल्कुल नहीं हरे। मुझे यकीन है जिस योद्धा के बारे में मैंने तुम्हें बताया था तुम उससे भी ज्यादा बड़े वारियर बनोगे। मार्कस ने भी अपनी बातों में वीर को उलझा कर फिर से खुद को फंसने से बचा लिया था। इधर वो शेर सामने ही खड़ा था लेकिन किसी पर हमला नहीं कर रहा था क्योंकि इस सकस के मालिक और इस कबीले का सरदार वो जोकर सामने से आ रहा था। सारे जानवर अपने उस मालिक से डरते थे। वह जोकर वीर के पास आया और जो चाकू उसकी बाजू से निकाला गया था उसे अपने हाथ में लेके बोला, हमक, वैसे तो मैं कभी निशाना नहीं चूकता लेकिन कोई और ही निशाना बनना चाहे तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। आर्या ने गुस्से में पूछा, ये चाकू तुमने उस शेर को मारा था लेकिन क्यों? तुम अपने ही शेर को मारना क्यों चाहते हो? वो जोकर उस चालू पर लगा। वीर का खून अपनी जुबा से चाटते हुए बोला, क्योंकि मुझे ऐसे शेर की जरूरत नहीं जो एक मूली लड़के से भी न लड़ सके। ऐसे बूढ़े शेर का तो मर जाना बेहतर है। वो शेर दूर बैठा एक पालतू कुत्ते की तरह दुखी हो रहा था। वीर ने कहा, इसमें उस शेर की कोई गलती नहीं कि उसका पाला एक और शेर से पड़ गया हो। जोकर हंसते हुए बोला, हा हा हा, ओ तो तुम खुद को शेर समझाते हो। चलो तो एक चैलेंज देता हूँ तुम्हें, तुम इस सकस में दो दिन मेरे बताए हुए करतब कर लो, मैं तुम्हें शेर मान लूंगा, वरना तुम मेरे जैसे जोकर के कपड़े पहन के पूरे बुयान आइलैंड को बताओगे कि तुम एक लूजर हो। लूजर शब्द सुन के वीर की आंखों में खून उतर आया। उसने जोकर का कॉलर पकड़ा और कहा, मुझे कभी लूजर मत कहना। जोकर ने एक बार सर हां में हिलाया और कहा, ओके लूजर, और ये कहते ही पागलों की तरह अजीब हंसी हंसता हुआ वहां से चला गया, बोलता हुआ जा रहा था, अब इस सकस के रिंगमेंस्टर भी तुम हो वीर और लूजर भी। हा 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 हा, वीर को गुस्सा आ रहा था। कोई वीर को लूजर बोले तो उसे बहुत गुस्सा आता था, उसका खून खौल उठता था। आर्या वीर को शांत करवा रही थी। वीर ने कहा, मैं इस जोकर को दिखा दूंगा कि मैं लूजर नहीं हूँ, दिखाऊंगा सकस के करतब और इस जोकर का घमंड तोड़ दूंगा। आर्या वीर को कुछ कहने ही वाली थी कि उसका ध्यान वीर के पांवों की तरफ गया। वीर खड़ा था जबकि वो शेर जिसका नाम बादशाह था वो वीर के पांव ऐसे चाट रहा था।
जैसे वो सिर्फ पालतू कुत्ता हो। वीर को भी ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने धीरे से उस शेर के सर पर हाथ फेराया। वो शेर वीर का पालतू बन गया था। उसे बस वीर के पास ही रहना था। मार्कस ने वीर से कहा, देखो वीर, जो भी करो सोच समझ कर करना। तुम्हें पता है ना पे जोकर की कोई चाल भी हो सकती है। वीर ने कहा, मुझे पता है ये चाल है, लेकिन मुझे कोई लूजर कहे तो मैं नहीं सुन सकता। मुझे भी जाबाज योद्धा से अल्टीमेट वारियर बनना है। आर्या ने वीर का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे यकीन है तुम जरूर बनोगे। तारांकन आर्या की बात पूरी नहीं हुई थी कि एक और खूबसूरत लड़की वहां आकर बोली, अल्टीमेट वारियर। क्या तुम वो अल्टीमेट वारियर वीर हो? पे ईशा की आवाज थी, सुनहरे रंग के बालों वाली ही था। लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए ईशा अपने कबीले के लोगों के साथ वहां आकर खड़ी हुई थी। ईशा के पीछे उसके कबीले के लोग थे जिन्होंने लाल रंग के कपड़े ही पहन रखे थे। वीर ने उसकी स्माइल को देखा और एक पल के लिए आर्यों को जलाने का सोचा और कहा, जी हाँ मैं ही हूँ वीर। आर्यों ने वीर को गुस्से में घूरा और ईशा से कहा, ये कोई अल्टीमेट वारियर नहीं है, सिर्फ जानबाज योद्धा लेवल पर ही है। वैसे आप कौन से मैदान की लाल छड़ी हो? ईशा हंसते हुए बोली, मैं खुशियों के कबीले से आई हूँ जिसे यूरोटोपिया कहते हैं, और हमारे कबीले में सिर्फ वीर के ही किस्से हैं। उस लड़की ने वीर का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। उसी वक्त गेम से वो रोबोटिक आवाज सुनाई दी, कर्मफल चैलेंज स्टार्ट। उस सकस के शेर बादशाह से जो लड़ाई वीर ने लड़ी थी उसकी वजह से उसका काफी खून बह गया था। काफी वक्त से उसने कोई कर्मफल नहीं खाया था, इसलिए अब उसकी ताकत कम हो रही थी और उसे कर्मफल की बेहद जरूरत थी, इसलिए कर्मफल चैलेंज अभी शुरू हुआ था। लेकिन चैलेंज क्या था ये वीर को समझ नहीं आया था। वीर ने आसपास देखा लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसमें उसे किसी की मदद करनी हो या कोई मुसीबत में हो, तो फिर कर्मफल कैसे मिलेगा? वीर अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे याद आया कि अभी अभी वो खूबसूरत लड़की उसके गाल पर एक किस करके गई है, और उस लड़की इस हरकत से वीर का चेहरा उसकी लिपस्टिक से लाल है जबकि आर्या का चेहरा गुस्से से लाल है। वीर मन ही मन हंस रहा है, उसे ये देखकर मजा आ रहा था कि आर्या को जलन हो रही है। वीर ने सोचा कि आर्या को जरा और जलापा जाए, तो वह ईशा के पीछे जाने लगा और बोला, अरे सुनो ईशा, वो मैं कह रहा था कि तुम भी सकस देखने आई हो। वीर और उसकी आवाज दूर जा रहे थे। आर्या मन ही मन कह रही थी, जहाँ जाना है जाए, मुझे क्या, मुझे पता है सब लड़के एक जैसे होते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की फीलिंग से। मार्कस आर्या के पास आके बोला, जाने दो आर्या, वो वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं है। देखा, कर्मफल चैलेंज तक पहुंच गया ना वो, लेकिन इसके लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि वो मेरा दोस्त है। पता है आर्या, तुम्हें शायद वीर पसंद है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि वीर तुम्हारे लिए सही नहीं है। जाकर वो बाहर की दुनिया से आया है, कभी भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तुम्हें चाहिए जो इसी गेम की दुनिया का हो, अपने मन का राजा हो और तुम्हें रानी बना दे, कोई ऐसा जिसे देखते ही मुंह से निकले। मार्कस की बात काटते हुए आर्या बोली, वाह। मार्कस बोला, नहीं सिर्फ वाह नहीं, मैं कह रहा था। आर्या ने उसके मुंह पर हाथ रख के मार्कस का मुंह बंद कर दिया और बोली, मैं तुम्हारी बात सुनकर नहीं उसे देखकर कह रही थी। वाह, आखिर कौन है वो? सारे यूरोटोपिया कबीले के कई मेंबर्स उस लड़की के साथ आए थे जिनमें एक नौजवान भी था, एरिक। सब देखने वालों की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी, और टिकती भी क्यों ना, ऐसे हैंडसम लड़के कहाँ देखने को मिलते थे। एकदम परफेक्ट लड़का, गोल्डन बाल, नीली आंखों, वीशेप जावलाइन, विराट कोहली वाला बियर्ड स्टाइल और स्माइल, ऐसी परफेक्ट की देखते ही दिल आ जाए। रोमांस के कबीले से आई हर लड़की भी सिर्फ एरिक को देख रही थी, सिवाय उस एक ईशा के जो वीर को रिझाना चाह रही थी। आर्या आर्गास से बोली, लगता है तुम ठीक कह रहे थे, मेरे लिए कोई और ही बना है, मैं क्यों वीर पर अपना टाइम लगा रही हूँ, मुझे तो वाकई इस गेम से कोई मिलना चाहिए। आर्या ये बात एरिक को देख के कह रही थी, जबकि मार्कस आर्या अपने बारे में सोचने के लिए कह रहा था। मार्कस आर्या की इस बात पर कुछ नहीं बोला। तभी आर्या ने दूर से चिल्ला के एरिक से पूछा, सुनो सुनो, क्या मैं एक मिनट बात कर सकती हूँ? एरिक ने हाथ से इशारा करके आर्या को पास बुला लिया। अब एरिक और आर्या आपस में बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वीर ईशा के पीछे पीछे चले जा रहा था। उसे ये सोचकर मजा आ रहा था कि आर्या इस बात कितना जलेगी, कितना नाराज होगी। मार्कस मन ही मन आर्या पर नाराज हो रहा था। मैं इतने दिनों से साथ हूँ, इसकी मदद कर रहा हूँ, इसे हर बार बचा रहा हूँ, उसने मुझे तो कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ बात करनी है। आखिर कब तक तुम मुझे नजरअंदाज करोगी आर्या? अभी तक सिर्फ वीर मेरे रास्ते का कांटा था, लेकिन अब वे एरिक भी। इन सबको काबू में करने का एक ही तरीका है, वो अलाती, वो जादुई पत्थर जो इस आइलैंड पर कहीं है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं आर्या और उसका प्यार बस अपने लिए रख लूंगा, पूरी दुनिया की फीलिंग्स मेरी गुलाम होंगी। मार्कस ये सब सोच रहा था कि तभी सकस के बीच लगे लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ, देवियों और सज्जनों, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। हाँ हाँ हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं हूँ कबीले का सरदार, और आपके लिए बुरी खबर है, हमारे चारों जिम्नास्टिस किसी वजह से आज नहीं आ रहे हैं, सुना है शायद उनका पेट खराब है, ऐसे में उन्हें आना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ,
इसीलिए इतिहास में पहली बार हम वो हवा में कलाबाजियों वाला खेल नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, अगर हमारे नए कर्तव्यबाज लूज़ योद्धा, मेरा मतलब जाबाज योद्धा वीर चाहे तो कर्तव्य दिखा सकते हैं, आगे उनकी मर्जी है। टिंग टोंग, उस जोकर ने अनाउंसमेंट कर दिया था। ईशा ने वीर से कहा, ओह माय गॉड, तुम हो यहाँ के नए कर्तव्यबाज हो, मुझे कर्तव्य देखने हैं। वीर को लूजर शब्द सुनकर गुस्सा आ रहा था। जब ईशा ने पूछा तो वो मना नहीं कर पाया और बोले, हाँ हाँ, मैं हवा में कर्तव्य दिखाऊंगा, बस एक पार करना चाहिए। ईशा बोली, मैं हूँ ना, मेरी बॉडी को देख के नहीं लगा तुम्हें कि मैं भी एक जिमनास्ट हूँ? मैंने बहुत कर्तव्य दिखाए हैं। वीर की आंखों में चमक थी। वो बोले, अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम जिमनास्ट हो। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों काफी देर के लिए हवा में होंगे, वो भी एक साथ। ईशा ने एक नोटी सी स्माइल देते हुए कहा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का इससे बेहतर मौका कहाँ गिलगा वीर। वीर को ईशा का ज्यादा पास आना भी पसंद नहीं आ रहा था। वो तो बस आर्या को जलाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन शायद ईशा इस बर्ताव को कुछ और ही समझ रही थी। वीर ईशा को कहना चाहता था कि ये सब बातें, हाथ में हाथ डालकर घूमना, ये सब सिर्फ मजाक ही है, पर अब एक और मुश्किल उसके सामने थी। उस जोकर ने वीर को कर्तव्य दिखाने को कहा था, लेकिन वीर को सकस के झूलों से लटक कर हवा में कलाबाजियां दिखाना नहीं आता था। पर ईशा ने बताया था कि वो ये सब करना जानती थी, तो उसे ईशा को अपने साथ रखना जरूरी था। ईशा वीर के पास आई और बोली, चलो ना, अपने कपड़े उतार देते हैं। वीर चयन गया और बोले, क्या, ये क्या बकवास है ईशा, जैसा तुम सोच रही हो मैं। ईशा बोली, जी मिस्टर हीरो, जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं उनमें कर्तव्य नहीं दिखा पाओगे, तो मैं बस चेंज करने के लिए कह रही हूँ। वीर का चेहरा चर्म से लाल हो रहा था। ईशा ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे सकस के उस हिस्से में ले गई जहाँ कपड़े बदले जाते हैं। आर्या और मार्कस दूर से सब देख रहे थे। आर्या अभी अभी एरिक से दोस्ती करके वहाँ आई थी। उसे लगा वो वीर को जलाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही थी। मार्कस ने आर्या को उस अनाउंसमेंट के बारे में बताया जिसके हिसाब से वीर और ईशा आज शाम को होने वाले सकस के शो में हवा में कलाबाजियां करते नजर आएंगे। आर्यों को ये सोच के गुस्सा आ रहा था कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो वीर ने एक बार भी आर्या से ये नहीं पूछा कि क्या वो उसकी पार्टनर बन सकती है इस कर्तव्य दिखने वाले खेल में। आर्या नाराज होकर वहां से जा रही थी कि मार्कस बोले, चिंता मत करो आर्या, वो लोग कोई कमाल नहीं दिखा पाएंगे और तब वीर को मानना ही पड़ेगा कि वो कोई हीरो नहीं बल्कि लूजर है। आर्या ने कहा, लूजर तब कहलाते हो जब किसी से हार जाते हो। मैं दिलाऊंगी वीर को लूजर होने का एहसास, बस मार्कस तुम देखते जाओ। मार्कस आर्या से दो कदम आगे चलकर बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों भी हवा में कर्तव्य दिखा सकते हैं। मैं इसी सकस में पला बड़ा हूँ, मुझे ये कर्तव्य अच्छे आते हैं, अगर तुम चाहो तो। मार्कस ये कहता कहता पीछे घूटा तो आर्या वहां से जा चुकी थी। वीर और ईशा कपड़े बदल कर उस जगह पहुंच चुके थे जहां इन दोनों को शाम को होने वाले सकस के शो में अपने कर्तव्य दिखाने थे। वीर अब उलझन में पड़ चुका था। एक तरफ गेम में कर्मफल चैलेंज अनाउंस हो चुका है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कर्मफल चैलेंज पूरा होगा और रुंद्र को कर्मफल मिलेगा, क्योंकि वीर की ताकत कम हो रही थी। पहले से ही उसकी काफी ताकत उस शेर से लड़ने में खर्च हो चुकी थी। ऐसे में कर्तव्य करते वक्त भी ताकत की जरूरत पड़ेगी। खेल के वक्त अगर ताकत और कम हो गई तो वो अपने हाथों के दम पर हवा में लगे सकस के झूलों पर नहीं टिक पाएगा। कहीं उसकी वजह से ईशा को कुछ ना हो जाए। वीर और ईशा वो एरिया में थे जहां उन्हें कर्तव्य दिखाने थे, जिसमें करीब 50 फुट की ऊंचाई पर झूले लगे हुए थे जिनको पकड़कर कर्तव्य दिखाने थे। एक बड़ी रॉड थी जिसे पकड़कर कर्तव्यबाज को झूलना था और झूलते हुए अपने पार्टनर के हाथों तक पहुंचना था। जैसे ही पार्टनर के हाथ से हाथ मिले तो दूसरा पार्टनर अपनी रॉड छोड़कर अपने पार्टनर के हाथ पकड़ के हवा में झूलने लगता है। इसी दौरान कई बार दोनों हाथ छोड़ते हैं, कर्तव्य दिखते हैं और वापस अपनी अपनी रॉड पर टिक जाते हैं। ईशा ने इस खेल रोड की बारीकियां वीर को समझाए और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर कोई गलती हुई तो मैं नीचे गिर सकती हूं। लेकिन घबराओ नहीं, नीचे सेफ्टी नेट लगा होगा, तो अगर मैं गिरी तो वहीं गिरूंगी, तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां जो पब्लिक होगी उसे मजा आना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। तुम सिर्फ मेरे हाथ पकड़े रहना जब हवा में हो, हम बाकी सारे कर्तव्य में दिखा लूंगी। आओ ऊपर चले। दोनों ऊपर चढ़ के अपने अपने तरफ खंभों पर खड़े हुए थे। वीर ने रॉड पकड़ ली थी। उसे पता था कि उसे सिर्फ कोशिश करनी है और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। जैसे वो शेर से लड़ पाया था, वैसे ही वो कर्तव्य दिखाना भी सीख जाएगा। शुरुआत में वीर जब सीख रहा था तब उसे अपने पाउंड रॉड पर अटकाकर उल्टा लटकना था और झूले को झूलाना था। दूसरी तरफ पहुंचते ही ईशा ने उसके हाथ पकड़ लिए और दोनों झूलने लगे। एक पल ऐसा आया जब ईशा ने वीर के हाथ छोड़कर एक कर्तव्य दिखाया और वापस वीर के हाथ पकड़ने चाहा तो घबराहट की वजह से वीर के हाथों में पसीना था और ईशा उसके हाथ नहीं पकड़ पाए। वीर चिल्लाया, ईशा, ईशा नीचे गिर गई थी, वो सीधे सेफ्टी नेट पर गिरी थी। वीर से बोली, घबराओ नहीं मेरे जाबाज हीरो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं इस खेल में कई बार गिर चुकी हूँ लेकिन कभी मुझे कुछ नहीं हुआ। बस तुम्हारे प्यार में जब से गिरी हूँ बड़ा दर्द हो रहा है मेरे दिल में।
ये कहकर वो हंसने लगी। वीर ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाया, बस मुस्करा रहा था। ईशा और वीर ने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मार्कस इन दोनों की प्रैक्टिस को करीब से देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि वीर इस खेल में भी हीरो बने। वो चाहता था कि भरी महफिल में लोगों के सामने ये साचित हो जाए कि वो एक लूजर है। इसलिए मार्कस वीर और ईशा के जाने के बाद वहां पहुंच गया। वो उन दोनों खंभों पर चढ़ा और उसने सेफ्टी नेट को जगह से काट दिया था ताकि जब शाम को शो हो तो मजबूर में इस नेट को हटाना पड़े। इतना ही नहीं, मार्कस ने उन रोड को भी ढीला कर दिया था जिस पर वीर और ईशा के करतब दिखाने वाले थे। मार्कस अपना काम करके वहां से जा चुका था। शो का टाइम हुआ, सारे जानवर सर्कस में लाए गए। पहले रिंग मास्टर ने शेर को सबको सलाम करने को कहा। शेर एक बार दहाड़ा, उसने सारे लोगों को एक साथ सलाम किया। रिंग मास्टर हाथी को भी ऐसा करने को कह रहा था कि शेर अपने आप दोबारा दहाड़ा। इस बार भी वो सलाम कर रहा था, लेकिन सिर्फ वीर को। वीर अपने पहने हुए लाल रंग के जिम्नास्टिक वाले कपड़ों में काफी स्मार्ट लग रहा था। उसने कभी ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में नहीं पहना था। असली दुनिया में उसका बदन झुका हो जा था, बिल्कुल भी गठीला नहीं था। लेकिन आसवज ने धीरे धीरे उसको ताकत दी है। उसकी कंधे अब घोड़े चौड़े हैं, बाजुओं में भी ताकत है, ज्यादा मसल्स नहीं है, लेकिन वो फिट नजर आता है। वीर के पास खड़ी थी ईशा, लाल रंग की बदन से चिपकी हुई जिम्नास्टिक ड्रेस पहने। उसके लहरदार बाल खुले हुए थे। उसका गोल चेहरा उसकी स्माइल को और भी क्यूट बना देता था। सब लड़के सिर्फ ईशा को देख रहे थे। वीर खुश था कि ईशा उसके पास खड़ी है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ आर्या को ढूंढ रही थी। अचानक वीर को सामने आर्या खड़ी दिखी। उसके पास एरिक खड़ा था। उन दोनों ने भी लाल रंग के वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे वीर और ईशा ने। वीर ने पहली बार देखा कि जारिया कितनी हॉट लग सकती है। तभी जोकर ने अनाउंस किया, तो हमारे पास हैं करतब दिखाने वाले चार दावेदार, आइए देखते हैं कौन है असली लूजर।